मोहतरम सामेईन वाली कदर अहबाब, कल की मेरी अराइज ये थी कि हम सब की गर्द खिलकत इबादत है और इबादत हर वो काम है जिसमें रज़ाए खुदा हो। अब इबादत की तीन किस्में हैं, क्योंकि इबादत करने वाले तीन किस्म के हैं। बाज लोग खुदा की इबादत इसलिए करते हैं कि वो जहन्नम में ना जाएं, जहन्नम के खौफ से खुदा की इबादत करते हैं। रिवायात में इस इबादत को कहा गया है गुलामाना इबादत, क्योंकि गुलाम भी अपने आका का हुक्म इसलिए मानता है कि उसको मारना पड़े। तो जो जहन्नम के खौफ से इबादत करता है वो गुलामाना इबादत है। बाज लोग अल्लाह की इबादत करते हैं इसलिए ताकि वो जन्नत में चले जाएं, तो इस इबादत को कहा गया है ताजराना इबादत। तिजारत के लिए लोग नफा के लिए तिजारत करते हैं, लिहाजा वो नमाज पढ़ता है, इबादत करता है इसलिए कि जन्नत में चला जाए। यह है ताजराना इबादत। एक तीसरी किस्म है इबादत की, वो यह है कि ना जन्नत के शौक में और ना जहन्नम के खौफ से इबादत की जाए, बल्कि खुदा की इबादत इसलिए की जाए कि वो लायक इबादत है। इसके बारे में मौला अमीरुल मोमिनीन की मुनाजात है। मौला फरमाते हैं इलाही मा अबद्तु का तम अनफी जन्नतिक वला खौफन मिन नारिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादा। खुदाया मैं अली तेरी इबादत ना तेरी जन्नत के शौक में करता हूँ, ना मैं अली तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करता हूँ, बल्कि मैं अली इसलिए तेरे सामने झुकता हूँ कि तू लायक इबादत है। तो ये है खलूस के साथ इबादत, इखलास के साथ इबादत। तो हमारी गरज़े खिलकत इबादत है, हमें इबादत का हुक्म दिया गया है। देखें खुदाबंद मुताल कोई हमारी इबादत का मोहताज नहीं था कि उसने हमें इबादत का हुक्म दिया, शायद उसमें एहतियाज पाई जाती हो वो हमारी इबादत का मोहताज हो ना। खुदा फरमाता है अगर इस कायनात में एक शख्स भी मेरी इबादत ना करे तब भी मैं अजीज और हकीम हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों हमें इबादत का हुक्म दिया है? असल में यह है कि खुदा बंदे मुताल हमसे मोहब्बत करता है, हम उसके बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक है, वो अपनी मखलूक को पसंद करता है, मखलूक से मोहब्बत रखता है, वो चाहता है कि मेरी मखलूक बाकमाल हो जाए। तो उसने कमाल का रास्ता बताया है और वो इबादत खुदा में। अगर कोई बाकमाल बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करे। इस कायनात में जितनी हस्तियां भी खुदा के करीब हैं, जिन्होंने कुर्ब खुदा हासिल किया है, अंबिया हैं, औसिया हैं, औलिया हैं, खासान खुदा हैं, आइमा अतहार हैं, सब ने जो कमाल हासिल किया है वो इबादत खुदा से किया है। तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि उसके बंदे बाकमाल हो जाएं, लिहाजा उसने इबादत का हमें हुक्म दिया है।
अजीतों, मैं कल जो मतलब रह गया था मुझसे, वो मैं आज पेश करना चाहता हूं। टाइम भी थोड़ा है, तो इबादत खुदा के दो दुश्मन है। ये मैं नौजवानों से, मेरा अभी यहाँ खिताब है, बुजुर्गों से भी है, लेकिन बुजुर्ग माशाल्लाह बाफाम है, समझते हैं, और अगर वो इस मतलब की तरफ मुतवज्जे हो गए तो अपनी जिंदगी में चेंज ला सकते हैं। हमारी गज़े खिलकत इबादत और इबादत के दो दुश्मन हैं जो हमें सही मानों में बंदा खुदा नहीं बनने देते। वो अपनी बंदगी की तरफ हमें वादार करते हैं। इस मतलब को पहुंचाने से पहले एक और मतलब अर्ज कर दूं ताकि मतलब वाज़े हो जाए। असल में इताअत का दूसरा नाम इबादत है। खुदा बंदे मुताल ने जिसकी इताअत का हुक्म दिया है, जिस के जरिए दिया है, असल में इताअत खुदा का नाम इबादत है। अल्लाह की इताअत का हुक्म है तो अल्लाह की इताअत इबादत, रसूल की इताअत का हुक्म है तो रसूल की इताअत रसूल की इबादत नहीं, बल्कि रसूल की इताअत अल्लाह की इबादत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से है रसूल की इताअत। यानी रसूलुल्लाह ने खुद नहीं कहा मेरी इताअत करो, अल्लाह ने कहा है कि रसूल की इताअत करो, तो असल हुक्म अल्लाह का है, इसलिए इताअत रसूल भी खुदा की इबादत है। उलेल अमर की इताअत करो, उलेल अमर की इताअत भी खुदा की इबादत है, क्योंकि उलेल अमर की इताअत का हुक्म खुदा ने दिया है। तो जिसकी इताअत उसी की इबादत। इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ इबादत खुदा की हो सकती है, गैर खुदा की इबादत नहीं हो सकती, इसलिए कि इस कायनात में जिस जात का हुक्म चलता है वो सिर्फ खुदा बंदे होता है। तो इताअत का दूसरा नाम इबादत। अब आप कहेंगे जी इताअत तो वालिदैन की भी हम करते हैं, तो क्या वालिदैन की इताअत वालिदैन की इबादत है? क्योंकि मैंने कहा ना इताअत का नाम इबादत है, तो आप कहेंगे जी इताअत तो हम वालिदैन की भी करते हैं, तो क्या वालिदैन की इताअत वालिदैन की इबादत है? नहीं, वालिदैन की जो हम इताअत करते हैं वो वालिदैन के हुक्म से नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो इताअत वालिदैन की हो रही होती है, इबादत खुदा की हो रही है। जितने भी आकाम हैं इसमें हुक्म अल्लाह का है, ये रसूल पहुंचाने वाले हैं, आइमा हुक्म पहुंचाने वाले हैं, असल हुक्म खुदा का। लिहाजा इबादत सिर्फ और सिर्फ इस कायनात में खुदा की हो सकती है, किसी की इबादत नहीं हो सकती। मसलन मैं दो तीन मिसालें अर्ज करता हूं कि रसूल अकरम ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। तुम रसूल ने फरमाया तुम मेरे भाई अली के जिक्र से अपनी मजालस को जीनत दो, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इबादत। रसूल अकरम ने फरमाया अन्ना लरू इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, क्या अली की इबादत है? ना, अली के चेहरे की तरफ देखना
अल्लाह की इबादत है, अली की इबादत नहीं। अन्नादारो इला वजह अली इबादत, इबादत जो भी है जहां भी है वो खुदा की है, लेकिन ये इबादत अली के चेहरे की तरफ देखना भी खुदा की इबादत है। अन्नादारो इला मुसहफ इबादत, कुरान मजीद के सफे को खोलकर उसको देखना इबादत। अन्नादारो इला काबते इबादत, काबे की तरफ देखना इबादत, काबे की इबादत नहीं अल्लाह की इबादत है, इबादत अल्लाह की है। अब ये लोग, अब हमें हुक्म है कि जब तुम हज को जाओ तो हजरे अस्वद को चूमो अगर चूम सकते हो तो हजरे अस्वद को चूमना क्या है? खुदा की इबादत, या हजरे अस्वद की इबादत है। तो ये जो कहते हैं ना गैरुल्लाह, ना गैरुल्लाह नहीं है, जहां अल्लाह का हुक्म है वो अल्लाह की इबादत है। अल्लाह जिसका हुक्म दे दे, अल्लाह किसी पत्थर के चूमने का हुक्म दे दे तो पत्थर को चूमना भी खुदा की इबादत, तो इबादत तो है ही खुदा की। इस इबादत खुदा से हमें दो चीजें रोकती हैं जो दुश्मन इबादत खुदा है। अगर बंदा उन दो दुश्मनों से अपना दिफा कर ले तो मुखलिस बंदा खुदा हो सकता है, और अगर उन दुश्मनों को ना पहचाने और दुश्मनों के वरगलाने में आ जाए तो वो फिर बंदा बन जाएगा उन दुश्मनों का, बंदा खुदा नहीं रहेगा। वो दोनों दुश्मन चाहते हैं कि ये बंदा हमारी इताअत करे। आप फरमाएंगे वो दुश्मन कौन से हैं? दुश्मन शनासी बड़ा अहम मसला है। जो बंदा अपना दुश्मन नहीं पहचान सकता वो दुश्मन के हरबे से जो है ना खाली नहीं है, दुश्मन उस पर वार करता है, दुश्मन कहीं से भी उठ सकता है, कोई भी हो सकता है। दुश्मन शनासी होनी चाहिए कि दुश्मन कौन है। अल्लाह की इबादत के दो दुश्मन है, एक दुश्मन दाखिली दुश्मन है और एक दुश्मन खारजी दुश्मन है। इबादत खुदा का एक दाखिली दुश्मन है जो हर शख्स में है, एक खारजी दुश्मन है। मुझे आप ये बताओ कि दाखिली दुश्मन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या खारजी दुश्मन? दाखिली दुश्मन पता नहीं कहां से उठ खड़ा हो, कहां से बम फोड़ दे, ये पता नहीं हम में रहता है, हमारे इर्द गिर्द है, पता ही नहीं चलता। तो दाखिली पाकिस्तान को जितना नुकसान दाखिली दुश्मनों ने पहुंचाया है खारजी दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया, लिहाजा दाखिली दुश्मन ज्यादा नुकसान देह है, जरर रसा है। अब इबादत खुदा का दाखिली दुश्मन कौन है? इबादत खुदा का दाखिली दुश्मन हम सब की हवाओ हवस और ख्वाहिशात है जो हमारे अंदर है, जो हमें सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ने देती। बंदा नमाज पढ़ना चाहता है, ख्वाहिश कहती है सो जा। बंदा नमाज पढ़ना चाहता है, दोस्त कहता है बैठ जा। तो बंदा अगर अपनी ख्वाहिश की इत्तेबा कर ले, ताबे हो जाए, इताअत कर ले, तो उसने ख्वाहिश की इबादत की है, खुदा की इबादत की। लेकिन बंदा खुदा बनना बहुत मुश्किल है। खुदा का बंदा वो है जो खुदा की मानता है, खुदा की इताअत करता है, खुदा के हुक्म के मुकाबला में जो भी आ जाए उसको रद्द करता है। अगर मैं अपनी अंदरूनी जाती हवाओ हवस और ख्वाहिशात का पैरो बन जाऊं, उसकी इताअत करूं और इसके मुकाबले में खुदा की इताअत ना करूं, तो मैं बंदाए ख्वाहिश हूं, बंदाए खुदा नहीं। अब कुरान मजीद ने इसके बारे में हमें फरमाया, अफरअयता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद समझ लिया है। बार दफा इंसान की ख्वाहिशात
उसका माबूद बन जाती है, वो खुदा की इबादत नहीं करता, अपनी ख्वाहिशात की इबादत करता है। अब मैं कुलियतन बात कर रहा हूं, मैं कोई मौरत जो है जुजियात नहीं पेश कर रहा। जहां जहां भी खुदा के हुक्म के मुकाबला में मेरी ख्वाहिश आड़े आ जाए और मैं ख्वाहिश की बात मान लूं और खुदा का हुक्म ना मानूं, वहां मैं बंदाए ख्वाहिश हूं, बंदाए खुदा नहीं। जहां भी एक मौरद नहीं है, हजार मौरद। देखें, बुत परस्ती सिर्फ ये नहीं है कि बंदा जो है किसी लकड़ी के बुत को पूजा करे, किसी मिट्टी के बुत के सामने झुके। ख्वाहिशात परस्ती सबसे बड़ी बुत परस्ती है। ख्वाहिशात से मेरी मुराद नाजायज ख्वाहिशात है। जायज ख्वाहिशात की मैं बात नहीं कर रहा, जायज ख्वाहिशात तो खुदा की इबादत है, अपनी बीवी है, निकाह है उससे, जिनसी ख्वाहिश बंदे को पैदा हुई है, खुदा कहता है बीवी के साथ तो अपना वो बीवी का हक अदा कर, जायज ख्वाहिशात है, खुदा की इबादत है। जहां जहां भी खुदा का हुक्म है उस पर अमल करना खुदा की इबादत, और जहां जहां खुदा का हुक्म हो और बंदा खुदा के हुक्म को ठुकरा दे और उसके मुकाबले में अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर अमल करे, यहां वो बंदाए ख्वाहिशात है, बंदाए खुदा नहीं है। आइम्मा ने हमें बंदाए खुदा बनने की तरफ बुलाया है। इन ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें, खासकर नौजवान, क्योंकि जवानी का आलम है, ख्वाहिशात ज्यादा है, बहकाने वाली चीजें ज्यादा है। कंट्रोल करो जिन चीजों से खुदा ने मना किया है, जिन नाजायज बातों से खुदा ने मना किया है, जिधर देखने से खुदा ने मना किया है, जो सीन देखने से खुदा ने मना किया है, ना महरम की तरफ देखने से खुदा ने मना किया है, ना देखो, गीबत करने से खुदा ने मना किया है, चुगली करने से खुदा ने मना किया है, गाली देने से खुदा ने मना किया है। रुको, मेरी ख्वाहिश जाती है तो मैं ख्वाहिश का बंदा बन जाऊं, नहीं, मैं बंदाए ख्वाहिश नहीं हूं, बंदाए खुदा हूं। बंदाए खुदा बंदा कोई आसान है? बंदगी बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ा मकाम है। बंदा कोई बन जाए, बंदे का माना है कि वो अपने आका का हर हुक्म मानता है। अगर वो अपने आका का हर हुक्म नहीं मानता और अपनी ख्वाहिशात पर चलता है, बंदा खुदा नहीं है। हमने खुदा का कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ना एक मुहावरा है, आप उर्दू में कहते हैं फुलां ने फुलां का कलमा पढ़ लिया है, यानी फुलां फुलां की हर बात मानता है। कलमा पढ़ना तो मुहावरा है कि जिसका कलमा पढ़ा उसकी हर बात मानी जाए। कलमा हमने खुदा और रसूल का पढ़ा है, मानते हम अपनी ख्वाहिशात की है, तो फिर ख्वाहिश का कलमा पढ़ा है, खुदा का तो नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ना ही सिद्क नहीं करता जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं चलता। ये आसान नहीं था कलमा पढ़ना। बुत परस्त क्यों कलमा नहीं पढ़ते थे? इसलिए उनको पता था कलमा पढ़ लिया तो खुदा की मानना पड़ेगी, फिर इनकी नहीं मानना पड़ेगी। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें बंदगी खुदा से रोकता है, जो हमें सही मानों में बंदा खुदा नहीं बनने देता, वो हमारी नाजायज ख्वाहिशात है, हवा हवस है। और दूसरा दुश्मन जो खारजी दुश्मन है वो शैतान है। हम सबको पता है शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान हमारे बाप आदम का भी दुश्मन था, हमारा भी दुश्मन है। सूरह बन्नास आप पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवसविसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास।
जो वसवसा डालता है ना, बुराई की तरफ ले जाता है। खुदा फरमाता है सूरह नन्नास में, वो जिन भी है और इंसान भी है। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास के वसवसे से पनाह मांग रहा है। वो वसवसा जो है खन्नास का, कौन से लोग हैं? मिनल जिन्नते, जिन्नों में से हैं जो वसवसा पैदा करते हैं। वन्नास, और लोगों में से। बाज शक्ल में इंसान है लेकिन काम सारे शैतान वाले हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। इसीलिए कहा है कि बुरे दोस्तों से बचो, इसलिए कि वो गुमराह करता है। गुमराह सिर्फ शैतान नहीं करता, इंसान भी करता है। सूरत कहती है वन्नास के, इंसान भी वसवसा डालता है। तो जो भी शैतान हो या इंसान हो, वसवसा डाले, बुराई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ उकसाए, वो शैतान है, उससे बचो। और शैतान खुला दुश्मन है, हम सबको पता है शैतान हमारा दुश्मन है। फिर शैतान की बात हम मानते हैं? ये ना कहा जाए कि हमें पता ही नहीं चलता ये शैतान वसवसा डाल रहा है या नहीं डाल रहा, क्यों नहीं चलता। आप दीन नहीं पढ़े, इस्लाम नहीं पढ़े, आपको पता नहीं हलाल और हराम का, हलाल कौन सी चीज है, हराम कौन सी चीज है। अल्लाह ने विजदान दिया है, अकल दी है। विजदान इंसान का अगर जिंदा हो तो वो जब कोई बंदा काम करने लगता है वो हुक्म लगाता है कि ये काम तुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अंदरूनी तौर पर वॉयस खुदा ने हर शख्स में रखा है, जो बता देता है कि ये काम जायज है, ये काम नाजायज है। हुज्जत तमाम हो जाती है। वॉयस अंदरूनी, अंदर का वॉयस, लेकिन फिर इंसान उसकी बात नहीं मानता, फिर वो मर जाता है। बार दफा विजदान मर जाता है, खत्म हो जाता है, फिर इंसान भटकता रहता है, फिर पता नहीं कब उसकी इस्लाह। अजीजो, इबादत खुदा के दो दुश्मन है, दाखली दुश्मन और खारजी दुश्मन। इन दोनों दुश्मनों से हम अपना अगर दिफा कर ले, इनसे बच जाए, तो हम मुखलिस बंदा खुदा हो सकते हैं। और ये आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ी सी मशक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर खुदावंद मुताल फिर मदद करते हैं। ये बात लोग जो कहते हैं जी हमें हम नमाज नहीं हमसे पढ़ी जाती, वुज़ू कहां से करें, कपड़े बदले, नजर सोचो, सब काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता। नमाज तो किसी हालत में माफ नहीं है। नमाज बंदा खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो खुदा अपना हुक्म बदल लेता है, कहता है बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकता कहा लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकता तो कहा इशारे से पढ़ लो, इशारे से नहीं पढ़ सकता दिल के इशारे से पढ़ो। नमाज माफ नहीं है, जैसी हालत हो वैसा हुक्म आ जाएगा। ये अल्लाह ने तकलीफ माल लायोताक नहीं दी कि इंसान को ऐसी तकलीफ दे जो उसके बस में ना हो। अजीजों, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हमने एक दीन अपनाया है, दीन की कुछ हदूद है, उन हदों में रहना चाहिए, उनसे खारिज नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी मर्जी नहीं है कि जो मर्जी हम करें, अपनी मर्जी नहीं चलती, मर्जी खुदा की चलेगी, उसके रसूल की चलेगी और आइमा की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। हम शियान अली हैं। अली के शिया का माना है कि शिया का शिया जो है अली का पैरोकार है। अली अगर जाए मशरक को और हम जाए मगरब को, अली शिमाल को जाए हम जनूब को जाए, अली कहे खड़े हो जाओ तो मैं बैठ जाऊं, अली कहे बैठ जाओ मैं खड़ा हो जाऊं, फिर मैं कहूं जी मैं अली का शिया हूं। तो शिया है तो फिर अली के कहने पर चलो। अली कहते हैं मशरक को चलो तो मशरक को चलो, मगरब को कहते हैं मगरब को चलो, शिमाल को चलो शिमाल को चलो। शिया का ये माना है, शिया ये नहीं है कि तू तो अपनी मर्जी करे, जहां मर्जी जाए। यहां शिया अली बनना बहुत मुश्किल है। खुदा करे कि हम
शियान अली बन जाए, खुदा हमें ये तौफीक दे। तो बहरहाल मैंने इबादत के दो दुश्मन आपको बता दिए हैं, और इबादत हमारी गर्ज़े खिलकत है, हम इबादत के लिए पैदा हुए हैं। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक्त खत्म हो रहा है, तो जो हमारे इमाम हैं जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी हमारे लिए दी कि हमारी औरतों के पर्दे महफूज हो जाएं, हम दीन पर कायम रह जाएं, हलाले मोहम्मद को हलाल रखा, हरामे मोहम्मद को हराम रखा, लेकिन इसके लिए कुर्बानियां दी। मौला हुसैन इब्न अली के पास जो कुछ गैर खुदा से था वो खुदा की जात पर कुर्बान कर दिया। अपना 6 माह का बच्चा अली असगर भी दे दिया। अजीजो, अली असगर की शहादत ने इस पूरी दुनिया के इंसानों पर असर छोड़ा। दूसरी कौमों पर जो गैर इस्लामी कौमें हैं उन पर भी अली असगर की शहादत ने असर छोड़ा है। अलामा जीशान हैदर आबदी वो कहते हैं कि मैं कलकत्ता में अशरा पढ़ रहा था 1970 में। कलकत्ता में थोड़े से शिया है, ज्यादा तादाद नहीं है। जुलजना निकला हुआ था, जुलूस था जुलजना का, मातमी मातम कर रहे थे। अचानक एक हिंदू औरत आती है, उसके हाथ में एक कासा है, एक प्याला है, उस प्याले में दूध है। वो इसरार कर रही है कि मैं जुलजना के करीब जाना चाहती हूं। उस औरत की बगल में एक 2 साल का बच्चा है। अब वो मातमी परेशान हो जाते हैं कि ये हिंदू औरत है, जुलजना ने अगर इसको लात मार दी या कोई इसको नुकसान पहुंच गया तो ये तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हो जाएगा, लिहाजा वो मातमी उसको हटाते हैं कि तू जुलजना के करीब ना जा। लेकिन वो इसरार करती है, रोने लग जाती है, कहती है नहीं, मैंने जुलजना के पास जाना। तो आखिर यह तय पाया कि उसको जुलजना के करीब भेजा जाए। मातमी पीछे हट गए कि ये क्या करती है। वो हिंदू औरत जुलजना के पास गई, उसने क्या किया, जुलजना के अगले सुम्मों को उस दूध से धोना शुरू किया जो उसके हाथ में था, प्याला दूध का, और अपने बालों से जुलजना के सुमों को साफ करती थी, और जो दूध उन सुमों पर घिरा और फिर वो मट्टी में चला गया, उस मट्टी को उठाकर अपने उस बच्चे के जिस्म पर उसने मलना शुरू किया। जब वो ये अमल कर चुकी तो मातमियों ने उससे पूछा कि तूने ये क्या अमल किया है। उसने कहा ये मेरी मन्नत थी, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, मैंने इस जुलजना को 2 साल पहले देखा, मैंने अपनी नीयत में यह कहा कि जिसकी ये सवारी है मैं उस सवार से मन्नत मांगती हूं, और मैंने सुना हुआ था कि बाबा हुसैन का, वो मौला हुसैन को बाबा हुसैन कहते, बाबा हुसैन का एक 6 माह का बच्चा था, उसको दूध नहीं मिला था, वो प्यासा था, वो प्यासा शहीद हो गया। मैंने मन्नत मानी कि अगर खुदा मुझे बच्चा दे तो मैं अली असगर के लिए दूध लाऊंगी। जो प्याले में दूध था मैं ये अली असगर के लिए लाई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वो दूध किसको पिलाऊं, तो मैंने जुलजना मौरा की सवारी के सुमों पर वो दूध फेंका
सुबों को साफ किया और अपनी मन्नत मैंने पूरी की। ये जो बच्चा मेरी बगल में है ये मौला हुसैन और अली असगर के सदके में मुझे मिला। ये है कि दूसरी मिल्लतों पर, दूसरी कौमों पर भी अली असगर की शहादत ने असर डाला है। अल्लाह दारो जब मौला हुसैन का कोई यारो अंसार न रहा, मौला तनो तनहा है, तनो तनहा जब रह गए तो मौला ने इस्तेगासा बुलंद किया, हल मिन्ना सिरिन यंसुरुना। कभी कहते थे है कोई हम अहले बैत की मदद करने वाला, और कभी कहते थे हल मिन्ना सिरिन यंसुरुनी, है कोई मौल हुसैन की मदद करने वाला। क्या मौला को इस बात का इल्म नहीं था कि अब खैमों में कोई जवान बाकी नहीं बचा, लेकिन फिर भी मौला इस्तगासे पर इस्तगासा बुलंद कर रहे थे। वो सिर्फ इसलिए इस्तगासा बुलंद कर रहे थे कि मेरा ये इस्तगासा पहुंच जाए हिंदुस्तान की सरजमीन में, अमेरिका की सरजमीन में, लबनान की सरजमीन में, पाकिस्तान की सरजमीन में, जहां जहां भी मेरे मानने वाले हैं सब तक मेरा ये इस्तगासा पहुंच जाए कि मैं हुसैन ने इन सबको अपनी मदद के लिए पुकारा। मौला का वो इस्तगासा हम सब के लिए है। आज जो भी मौला हुसैन के उस मकसद में मदद करता है, उनके मिशन में मदद करता है, वो असहाबे मौला हुसैन में शुमार किया जाएगा। तो मौला ने जब इस्तगासे पर इस्तगासा बुलंद किया, कोई है मेरी मदद करने वाला, खैमों से एक बच्चे के रोने किया। जब मौला ने बच्चे को रोते हुए सुना, अना ने अस्ब खैमों की तरफ फेर दी और जाकर पूछा बहन जैनब से, बहन जैनब ये अली असगर क्यों रो रहा है? कहा भैया जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अली असगर ने मौला हुसैन के इस्तगासे पर लबैक कर, मौला ने कहा ये बच्चा प्यासा है, लिहाजा रुबाब से बच्चे को लिया और कहा मैं इसको पानी पिला कर लाता। मौला ने अपने छह माह के अली असगर को धूप से बचाने के लिए अपनी अबा के दामन में बच्चे को छुपा लिया और आए इन मलऊनों के सामने। मलऊन ये समझे कि शायद हुसैन खैमों से कुरान लेकर आए हैं, लेकिन जब बच्चे को अपने हाथों पर उठाया तो कुरान तो नहीं था लेकिन कुरान का एक पारा था। उठाया बच्चे को, कहा इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका है, ये प्यासा है, इसको पानी पिला दो। अजीजो बच्चा कितना पानी पीता है, एक कप पानी पी लेगा, लेकिन इन मलऊनों ने अली असगर को एक कप पानी तक नहीं दिया। अब मौला ने हुज्जत तमाम की, अली असगर को खिताब किया, कहा अली असगर तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है। अली असगर ने अपनी खुश्क जुबान अपने होंठों पर फहराई, दुश्मनों में हलचल पैदा हो गई, कहने लगे इस बच्चे को पानी पिला देना चाहिए। जब उम्र साल ने देखा कि ये मेरे साथी इनमें हलचल है, ये बच्चे की फेवर में आ चुके हैं, कहते हैं पानी पिला दो। उम्र साल ने हुरमला से कहा एकता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। अब तारीख कहती है हुरमला ने तीर जोड़ा, तीर चला, फन कला बसवी अला याद है इमाम, बच्चा इमाम के हाथों पर पलट गया। एक कान से दूसरे कान तक अली असगर का गला छिद गया, खून बहने लगा। मौला ने चाहा कि उस खून को जमीन पर गिरा ले, लेकिन फिर मौला ने वो खून आसमान की तरफ फेंक दिया। बच्चे को लिया, अब खैमों की तरफ आते हैं। बच्चे को रुबाब से इसलिए लिया था कि इसको पानी पिला के ला। अब बच्चे का गला छिदा हुआ है, पानी मिला नहीं। अब मौला हुसैन कभी खैमे के पास जाते हैं, फिर सोचते हैं रुबाब को क्या कहूंगा, वापस आ जाते हैं। सात मरतबा आगे जाते हैं, सात मरतबा पीछे आते हैं, आखिर खैमे के दरवाजे के करीब पहुंचे, आवाज दी। सबसे पहले सकीना दौड़कर बाहर निकली, कहा बाबा
अली असगर को पानी मिल गया है। बाबा मैं बड़ी प्यासी हूं। जब रुबाब दरवाजे पर आई, मौला हुसैन ने कोई बात जनाबे रुबाब से नहीं की, बच्चे को रुबाब के हाथों पर थमा दिया। जनाबे रुबाब ने अली असगर को अपने हाथों में लिया, रुबाब ने भी मौला हुसैन से कोई बात नहीं की, अली असगर को मुखातब किया, कहा अली असगर अम्मा सालों का यून है क्या तुम जैसे बच्चों को भी जबा दिया। मौला ने सोचा कि रुबाब संभल नहीं सकेगी, लिहाजा रुबाब के हाथों से अली असगर को ले लिया। खैमे की एक तरफ आए, तलवार से छोटी सी नन्ही सी कब्र खोदी, बच्चे को उसमें रख दिया। आओ मौला से पूछते हैं, मौला आपने तो किसी शहीद को दफन नहीं किया, क्या वजह है कि आप अली असगर को दफन कर रहे हैं? शायद मौला फरमाए कि अली असगर के लिए मुझे वक्त मिल गया, शायद मौला ये फरमाए कि मुझे इल्म है कि हमारी शहादतों के बाद हमारे सरों को नोके नेजा पर बुलंद किया जाएगा। ये नन्ना सा फूल, ये नन्ना सा सर जब नोके नेजा पर आएगा तो इसकी फुफड़ियां नहीं देख सकेंगी, इसकी बहनें नहीं देख सकेंगी, लिहाजा मैं अली असगर को दफन करता हूं। जो भी वजह हो, मौला ने अली असगर को दफन कर दिया। क्या अली असगर को मिन मलऊनों ने दफन रहने दिया? जब सरों की गिनती हुई, हुरमला ने कहा जो बच्चा हुसैन लाए थे, जिसको मैंने तीर मारा था, उसका सर नहीं मिलता, कहां है? कुछ घोड़सवार तैयार हुए अली असगर को ढूंढने के लिए, उनके हाथों में नेजे थे, उन्होंने जमीने करबला को नेजों से छिल्ली करना शुरू किया। एक नेजा लगा और अली असगर की लाश होकर नेजा पड़ा। जी तो यहां पर मैं दो तीन जुमले और कहना चाहता हूं। दो साल पहले मैंने जनाबे अली असगर की शहादत की एक फिल्म देखी थी, ईरान में यह फिल्म बनी थी, शबीह अली असगर बनाई गई और एक्टरों को कहा गया कि इस शबीह को कोई तीर मारे, कोई एक्टर तैयार नहीं होता था शबीह अली असगर को तीर मारे। उनमें से एक जो एक्टर था उसको उन्होंने तैयार किया कि ये तो फिल्म है, ये तो शबीह है अली असगर की, अली असगर तो नहीं है, लिहाजा हमने ये फिल्म बनानी है, आप ये काम करें। वो एक्टर तैयार हुआ कि वो हुरमला का किरदार अदा करे। उसने क्या किया? अली असगर की शबीह को तीर मारा। जब ये फिल्म वायरल हुई और इस एक्टर की मां को ये पता चला कि मेरे बेटे ने शबीह अली असगर को तीर मारा, जब वो एक्टर घर आया तो मां ने कहा मैं तो इसे नहीं बोलती, मैं तो इसे नाराज हूं और सारी जिंदगी तो इसे नहीं बोलूंगी। उसने कहा मामा क्या हुआ? कहा तूने अली असगर की शबीह को तीर मारा। तूने कैसे तीर मार लिया? अदादर आज 1400 साल बाद वाली ये माए जो अली असगर को रोती है, उनका ये हौसला नहीं पड़ रहा कि वो अली असगर की शबीह को कोई तीर मारे। जब अली असगर को तीर लगा होगा और अली असगर की मार मार में हुसैन